दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम विजिट करने वाले हैं कुतुब मीनार को, जो कि साउथ दिल्ली के महरौली में पड़ता है। सो यहाँ पर हम निकल गए थे मॉर्निंग में और आगे बढ़ रहे थे हम। थोड़ा सा ट्रैफिक जाम भी हमें रास्ते में मिला था। जैसे ही आप कुतुब मीनार के लिए अंदर एंट्री करते हैं विजिट करने के लिए, तो आपको जो है वहाँ पर टिकट लेना पड़ता है। सो टिकट यहाँ पर हम लोगों ने लिए थे क्योंकि हम फैमिली के साथ गए थे। सो पर पर्सन जो टिकट पड़ता है वो 40 रुपीज का पड़ता है, और अगर आप ऑनलाइन अपना टिकट बुक करते हो तो उसमें आपको फिर 35 रुपीज पर पर्सन देने पड़ते हैं, और जो 15 साल तक के बच्चे होते हैं उनका कोई टिकट यहाँ पर नहीं लगता। सो बस टिकट लेने के बाद हम लोगों ने एंट्री कर ली थी, और हम बस देख रहे थे कि भाई कुतुब मीनार के अलावा भी काफी सारी चीजें थी यहाँ पर देखने लायक। तो कुतुब मीनार को बनवाने का काम शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन बाद में इसको कंप्लीट कराया उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार में लगभग 379 सीढ़ियां हैं, काफी सारी सीढ़ियां होती हैं वैसे इतनी, और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 73 मीटर है। पहले इसके दरवाजा सभी के लिए ओपन था, बट पिछले लगभग 40 सालों से इसका दरवाजा सभी के लिए बंद कर दिया गया है, तो इसमें एंट्री नहीं है अभी फिलहाल किसी को भी। तो कुतुब मीनार वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल प्लेस है, जहां पर ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक स्टेट से, हर एक जगह से लोग विजिट करने आते हैं। इवन फॉरेन कंट्रीज से भी यहां पर लोग विजिट करने आते हैं। सो आप यहां पर देख सकते हैं कि काफी चहल पहल होती है, और बहुत सारे लोग आपको यहां पर दिख जाते हैं जब आप विजिट करते हो कुतुब मीनार को, तो फॉरेनर्स भी यहां पर ऐसे ही आपको मिल जाएंगे आराम से। सो मीनार में एक काफी फेमस आयरन पिलर है जिसको लोह स्तंभ कहा जाता है, मतलब ये पूरा लोहे का स्तंभ है जो लगभग 1600 साल पहले बनाया गया था। और इसकी खास बात यह है कि इस पर आज तक जंग नहीं लगा। नॉर्मली जो लोहे की चीजें होती हैं उस पर जंग लग जाता है, तो आप देख सकते हैं उसी के बारे में यहाँ पर उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। और वो जो आयरन पिलर है वो बस यहाँ से ऊपर, जब आप इस छोटे से ब्रिज के ऊपर से जाते हैं तो अंदर आपको वो दिख जाता है, तो वो भी एक काफी मेन पॉइंट माना जाता है यहाँ पर लोगों के देखने का। जब आप इस तरफ आते हैं तो आपको एक काफी खूबसूरत सा नजारा दिखाई देता है, तो एकदम जैसे हिस्टोरिकल फीलिंग आती है ना, उसी तरीके से आपको यहाँ पर आती है। काफी सारे लोग यहाँ पर सेल्फीज ले रहे हैं, वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, तो एक काफी अच्छी सी फीलिंग यहाँ पर आती है। और ये जो आयरन पिलर है वो भी यहीं पर है, जिसको देखने के लिए भी लोग इकट्ठा होते हैं और देखते हैं इसको। तो ये रहा आयरन पिलर, और इसके बारे में लिखा हुआ भी है कि ये कब, कैसे और किसने बनवाया, किसकी याद में बनवाया। सो यहाँ पर लोग इसको देखने भी आते हैं कि भाई इतना मजबूत और इतना पुराना जो ये लोहे का एक स्तंभ है वो किस तरीके से बिना जंग लगे यहाँ पर जो है टिका हुआ है।
एरिया में एंट्री जब आप करते हैं तो आपको जो है एक छोटा सा गार्डन टाइप का कुछ दिखता है, तो बेसिकली मुझे तो ये गार्डन ही लगा। बट यहाँ पर लिखा हुआ है खलजी का मदरसा, तो ये मदरसा हुआ करता था किसी टाइम में, और यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रीज वगैरह भी हैं। Okay.